हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी सूजी नगेट्स। ये एक परफेक्ट स्नैक्स रेसिपी है। आप इसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में कभी भी सर्व कर सकते हैं। मैंने ये नगेट्स जो हैं ये स्टफ बनाए हैं। मैंने स्टफिंग के लिए आलू की का प्रयोग किया है। आप अगर चाहें तो इसमें पनीर भी यूज़ कर सकते हैं या न्यूट्री का, जो चूरा वाले न्यूट्री आती है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तेल डालेंगे। इसको उबाला आने तक गर्म करेंगे। पानी उबल गया है, अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। मध्यम कर देंगे और इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा मिश्रण गाढ़ा हो गया है। गैस बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये 2 आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए हैं ये। इनको पोटैटो मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें हरे मटर डालेंगे। इसको हिलाएंगे। मटर को थोड़ा सा भूनेंगे। ये मैंने फ्रोजन मटर यूज़ किए हैं, आप नॉर्मल वाले मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कम कर देंगे और इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटाकर मटर चेक कर लेंगे। ये मटर गल गए हैं। मेरे फ्रोजन मटर थे इसलिए जल्दी गल गए हैं। आप अगर फ्रेश मटर यूज़ करेंगे तो हो सकता है 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगें। अब हम मैशर की सहायता से इन्हें मैश कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्च डालेंगे। ध्यान रहे, हरी मिर्च भी डाली है तो लाल मिर्च कम ही डालनी है। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अमचूर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई आलू बीच में मोटा है तो आप मैशर की सहायता से मैश कर सकते हैं। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देंगे। ये जो हमने आलू का मिश्रण बनाया था ये ठंडा हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और मिश्रण को ऐसे तोड़ के ऐसे बॉल की शेप देंगे और फिर इसको सिलिंड्रिकल शेप देंगे। ये देखिए, ये शेप है। ऐसे ही सारे बना लेंगे। ये देखिए, हमारे आलू के मिश्रण के सारे बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं। ये हमारा सूजी का मिश्रण जो था वो भी ठंडा हो गया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको सॉफ्ट करेंगे। ये हमारा सूजी का डो बनकर तैयार हो गया है। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसमें से बॉल की साइज का डो लेंगे, इसको गोल गोल कर लेंगे, इसको चपटा करेंगे हाथों की सहायता से। इसमें जो हमने आलू के मिक्सचर का बनाया था
सिलेंड्रिकल शेप में ये मिक्सचर था, इसको इसमें रखेंगे और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। इसी तरह से सारे बना लेंगे। ये हमारे सारे सूजी स्टफ नगेट्स बनके रेडी हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें सोया नगेट्स डाल के इनको डीप फ्राई करेंगे। ये एक तरफ से हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको पलट देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। ये हमारे सारे सूजी नगेट्स बनके रेडी हैं, अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे टमाटो सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय। बाय बाय।